हेलो माय लवली पीपल्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो या आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जी हाँ, मैं आज आपको इस व्लॉग में अपने दिखाने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ, लाइक मैं एक दिन में क्या क्या करती हूँ और मेरी कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है एंड ऑल दैट। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और थम्स अप भी कर दीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन ना रह जाए गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जी जल्दी जल्दी से मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, बट बस ओट्स लिए थे मैंने, बट हाँ ओट्स बहुत ज़्यादा बन गए थे तो मैंने बस थोड़े से खाए थे और एक मैंगो था गाइस, बस ये था मेरा ब्रेकफास्ट। और इसको देखो कोई यार, मतलब ये इतना बदतमीज़ हो रहा है ना, इतना बदतमीज़ हो रहा है सिम्बा कि कुछ भी लेकर बैठ जाओ आप, इसको सबसे पहले आकर कूदना है, देखना है कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, कौन क्या खा रहा है, और बस और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रहा है, शैतान हो रहा है एकदम। और जोई ऐसी है हमारी, वो एक तरफ बैठी रहती है, वो इतनी मासूम सी बच्ची, कुछ नहीं कहती, उसे कुछ भी कर लो तुम वो आएगी नहीं आपके पास। और ये इतना बदतमीज़ है, इसे कुछ भी दे दो ये सब कुछ खा लेगा। क्या इज्जत रह गई है मेरी, कचरे का डिब्बा समझ रखा है मुझे। हाँ गाइस सच में, मतलब लोग सोचते हैं पर्शियन कैट्स होती, हाँ होती है पर्शियन कैट्स, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता ये कैसा पर्शियन है। इसको माशाल्लाह इसका अच्छी बात भी है इसकी, बट अजीब है कुछ कि इसे ना आप चाय पिला दो, चाय भी पी लेगा, बट ज़्यादा क्यूट जोई है। अच्छा मजाक है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। खैर इन्हें छोड़िए गाइस, और हम लोग चलते हैं जल्दी से, मतलब मैं मेट्रो पर जाने के लिए निकल गई थी, इतनी भीड़ थी ना यार, मेरे फ़ोन निकालने की भी जगह नहीं थी, इस वजह से मैं मेट्रो के अंदर नहीं बना पाई गाइस। और मैंने मतलब एग्ज़िट कर लिया और एग्ज़िट पर मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे। तो देखिए ये लोग इतनी गर्मी में चाय पी रहे थे, और ये बिल्कुल एग्ज़िट पर ही, जो मेट्रो का एग्ज़िट है ना उसके पास ही एक शॉप है, यहाँ पर बैठकर इन्होंने चाय पी थी। ये देखें ये इस साइड पर है, यहाँ पर हम यहीं पर वेट कर लेते हैं गाइस फ्रेंड्स का, फिर साथ जाते हैं। मुझे तो गर्मी लग रही थी बहुत, इस वजह से यहीं पे शिकंजी वाला भी खड़ा था, तो मैंने उसे शिकंजी ले ली और हम पीकर जल्दी से निकले। धूप देखो आप लोग की, धूप कितनी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं बता रही हूँ सच्ची में। ये सुबह 8 या 9 बजे का टाइम भी बहुत ऐसा लगता है ना कि तप जाओगे बिल्कुल। और जल्दी जल्दी हम फिर क्लास में पहुँचे गाइस, और पहुँचने के बाद थोड़ा वेट करा, उसके बाद ये देखे मेरा मतलब जो मेरा लुक था आज वो ये था, छोटी सी बच्ची बनने का मेरा दिल कर रहा था। उसके बाद क्लास वगैरह हुई, क्लास वगैरह लेने के बाद हम बैठे रहे, दूसरे टीचर्स आए नहीं क्योंकि हमारे डाउट सेशन चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से टीचर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, बट बच्चे आते हैं फिर भी टाइम पास करने के लिए तो आ ही जाते हैं। तो गाइस देखिए पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था आज मैं दो चुटियाँ बांधूं छोटे बच्चे की तरह, तो मैंने आज ऐसा लुक लिया था। और फिर हम लोग बस बैठ गए ऐसे ही लंच वगैरह करने के लिए, सब लोग खाली बैठे हुए थे। उसके बाद जब दूसरे टीचर्स आ ही नहीं रहे थे तो मैं तो निकल गई कि मैं तो जा रही हूँ घर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं कॉलेज से निकल गई घर की ओर। अच्छा कौन बोल रहा था कि गर्मी नहीं पड़ रही है, ये देखो ये गर्मी, ये धूप बहुत गंदी वाली है भाई साहब, ऐसे जला देने वाली, सीख कबाब बन जाओगे आप लोग। ये देखो आप, एक तो धूप ऊपर से धूल, डबल मज़ा। और यार मैंने इसीलिए सुबह में मतलब जब मैं वीडियो बनाई थी तब मैंने कुछ मैंने वॉइस मतलब बाद में डाली, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि पीछे से इतना शोर आ रहा था ना गाइस इसी वजह से, और मेरा कैमरा इतना हिल रहा था क्योंकि रास्ते इतने ऊँचे नीचे ने यहाँ पे, इसीलिए सुबह मेट्रो में इतनी भीड़, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी भीड़ थी सुबह मेट्रो में, ऐसा लग रहा था सारी लड़कियों को आज ही जाना है, पता नहीं कहीं ना कहीं सीट नहीं मिलती यार सुबह में मेट्रो में, बहुत मुश्किल से आपको सीट मिलेगी, उसमें भी आपको आगे कोई ना कोई उठा देगा उनसे ये प्लीज। ऐसा लग रहा है मुझे ग्लूकोज की कमी हो गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। गाइस आपको कोई काम हो ना, आप सिर्फ जब ही बाहर आना, मैं सही बता रही हूँ, बहुत जिंदा वाला पछताओगे आप इतनी धूप में अगर बाहर निकल गए बेवजह में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
फिर बस मैं लगभग आ ही गई थी, वो देखें आप सामने दिख रहा होगा शायद से, और आ चुकी हूँ मैं स्टेयर्स पे, जल्दी जल्दी से जा रही हूँ बस। उसके बाद जी मेरे को टोकन वगैरह तो लेना नहीं था, कार्ड बना हुआ था, इस वजह से बस मैं मेट्रो का ही वेट कर रही थी कि मेट्रो आए जल्दी से, और मैं फिर मेट्रो में जाती हूँ। उसके बाद मैं वेलकम पे उतर जाती हूँ क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, इस वजह से मैंने एक स्वीट कॉर्न और चीज़ बर्गर लिया था। उसके बाद सीधा बस घर चली जाती हूँ। हाँ जी गाइस, फिर घर आके मैंने खाया खाना जो कि वाइट चिकन था। लंच में भी मैं यही लेकर गई थी, बट ये इतना यम्मी बना रखा था ना मम्मी ने कि मैंने घर आकर भी यही खाया दोबारा से। तो और उसके बाद गाइस मैंने पिया एकदम फ्रेश बीटरूट का जूस, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस, आप लोग भी पिया करें, खून बढ़ता है, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।